रिमझिम पाठ एक, राख की रस्सी। भोला भाला। प्रश्न संख्या एक। तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। तुम्हारे विचार से वह किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे? उत्तर है, हमारे विचार से वे सोचते होंगे कि उनका बेटा आगे चलकर अपना खर्चा कैसे चलाएगा और अपना जीवन यापन किस तरह करेगा। सही जवाब। प्रश्न है, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो क्या उपाय करते? उत्तर है, मैं तिब्बत के मंत्री की जगह होता तो अपने बेटे को प्यार से समझाता। अगला भाग है शहर की तरफ। प्रश्न संख्या एक, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। प्रश्न है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा? उत्तर है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर और दुनियादारी को समझने के लिए भेजा था। प्रश्न है, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में क्यों भेजा? उत्तर है, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में इसलिए भेजा क्योंकि वह उसे कुछ चतुर और समझदार बनाना चाहता था। सही जवाब। अगला प्रश्न, तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे? घर में पता करो। कुछ तो आज पड़ोस में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरे जगह जाकर बस गए हों, तो उनसे बातचीत करो। रोज जानने की कोशिश करो कि क्या अपने निर्णय से खुश है, क्यों। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो। यह भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी। उत्तर है, हमारे घर के बड़े लोग पहले गांव में रहते थे। मेरे पड़ोसी में गांव से आकर रहने वाले एक बच्चे ने अपने निर्णय से खुश है क्योंकि यहां सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। उस व्यक्ति ने वे स्थान कुछ परेशानियों के कारण छोड़ दिया। मेरे पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने पति की नौकरी छोड़ने के कारण पुरानी जगह छोड़ी। वहीं मेरे पड़ोस में रहने वाले एक अन्य बच्चे ने पुरानी जगह अपने माँ बाप के साथ दूसरी जगह जाने के कारण छोड़ दी। अगला प्रश्न, जौ एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी भी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और अपने स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाज के नाम पता करो, जैसे गेहूं, जौ। उत्तर है, जैसे आपने बताया, गेहूं, जौ, बाजरा, चना, मक्का, सोयाबीन। सही जवाब। अगला प्रश्न, गेहूं और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संज्ञा हैं। गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्य पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। आपको नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन दो प्रकार की संज्ञाओं में करो, लेह, धातु, शेरवानी, भोजन, तांबा, खिचड़ी, शहर, वेशभूषा। उत्तर है, व्यक्तिवाचक संज्ञा ले, शेरवानी, तांबा, खिचड़ी, और जातिवाचक संज्ञा धातु, भोजन, शहर, वेशभूषा। सही जवाब। अगला प्रश्न, ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए तीन तीन व्यक्तिवाचक संज्ञा खुद सोच कर लिखो। उत्तर है, धातु, सोना, भोजन, रोटी, दाल, चावल, शहर, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, वेशभूषा, धोती, साड़ी और कमीज। सही जवाब। अब हम अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। तुम शेर, मैं सवा शेर। प्रश्न एक, इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए थे ना सचमुच नहले पर धैला, तुम्हें भी यही करना होगा। तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की जरूरत हो, उसे एक कागज में लिखो और तुम सभी अपने अपने चीट को एक डिब्बे में डाल दो। डिब्बे को बीच में रखकर उसके चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। अब एक एक करके आओ, उस डिब्बे से एक चीट निकाल कर पढ़ो और उसके लिए कोई उपाय सुझाओ। जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा उपाय सुझाए वह तुम्हारी कक्षा का बीरबल होगा। मेरी राय में ये आप स्वयं करें। प्रश्न संख्या दूसरा, मंत्री ने अपने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच ये बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। उत्तर है, ऐसा नहीं था कि उन्हें बात पसंद नहीं आई, लेकिन मंत्री को पता चल गया था कि यह काम उनके बेटे ने नहीं किया है। वैसे भी वो अपने बेटे को चालाक या होशियार बनाना चाहते थे, इसीलिए उसने ऐसा किया। बढ़ते हैं अगले भाग की तरफ, जो है सिंह और जौ। प्रश्न, पहली बार में मंत्री के बेटों ने भेड़ों के बाल बेच दिए
और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने यह चीजें खरीदी होगी उन्होंने भेड़ों के बालों सींगों का क्या क्या किया होगा, अपनी कल्पना से बताइए। उत्तर है, जिन लोगों ने ये चीजें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बाल से ऊन के वस्त्र और सींगों से सजावटी सामान बनाए होंगे। अगला भाग है बात को कहने के तरीके। पहला प्रश्न, नीचे कहानी के कुछ उपाय दिए गए हैं, इन बातों को तुम किस तरह से कह सकते। पहला, चैन से जिंदगी चल रही थी। जिंदगी आराम से कट रही थी। दूसरा, होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी। वो होशियार नहीं था। तीसरा, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। मैं इसके लिए उपाय बताते भी हूँ। चौथा, उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। उनकी अपनी चालाकी किसी काम नहीं आई। प्रश्न संख्या दो, लोनपो गार का बेटा होशियार नहीं था। क, होशियार और चालाक में क्या फर्क होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकते हो? इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और अपनी कक्षा में चर्चा करो। उत्तर है, होशियार से तात्पर्य है समझदार होना, जबकि चालाक का अर्थ है अधिक चतुर होना। जो व्यक्ति दूसरों से काम निकलवाने के लिए तरह तरीके के बातें करता है उसे हम चालाक कहते हैं। वहीं जो व्यक्ति समझदारी की बात करता है उसे समझदार कहते हैं। इसी प्रकार भोला का अर्थ है सीधा साधा होना, जबकि बुद्धू का अर्थ है बेवकूफ होना। दूसरा, लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान क्यों? उत्तर है, लड़की को हम बुद्धिमान कहेंगे क्योंकि अपनी बुद्धि के बल पर वो हर समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ रही थी। अगला प्रश्न, जिनमें आपको नाम देना है। कहानी में लोनपो गार के बेटे और लड़की का कोई नाम नहीं दिया गया है। नीचे तिब्बत में बच्चों के नामांकन के बारे में बताया गया है। यह परिचय पढ़ो और मनपसंद नाम छांटकर बेटे और लड़की को कोई नाम दो। नमिया, डावा, मिगमार, लाखपा, नुखु, फू, दोरजे, ये क्या है? कोई खाने की चीजें या घूमने की जगहों के नाम? जी नहीं, ये है तिब्बती बच्चों के कुछ नाम। ये सारे नाम की तिब्बत में शुभ माने जाते हैं। नाम या नाम दिया जाता है और रविवार को जन्म लेने वाले बच्चों को मानते हैं कि इस बच्चे को उस दिन के देवता सूरज जैसी शक्ति मिलेगी और जब जब उनका नाम पुकारा जाएगा वह शक्ति बढ़ती जाएगी। सोमवार को जन्म लेने वाले बच्चों का नाम डावा रखा जाता है। यह लड़का लड़की दोनों का नाम हो सकता है। तिब्बती भाषा के डावा के दो मतलब होते हैं, सोमवार और चांद, यानी डावा चांद जैसी रोशनी फैलाएगी और अंधेरा दूर करेगी। तिब्बत में बुद्ध के स्त्री पुरुष को नामांकन करते हैं और खासकर दोलमा नाम बहुत मशहूर मिलता है। हम बुद्ध के स्त्री रूप तारा का ही तिब्बत नाम है। उत्तर है, लोनपो गार के बेटे को हम लुखु नाम देंगे जबकि उस लड़की को दावा नाम देंगे। धन्यवाद, हमें आशा है कि आपको आपके सारे प्रश्न के उत्तर मिल गए होंगे।